नीतीश शर्मा और मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की टॉप 25 बड़ी खबरों की। वरिष्ठ नेता मिलिंद देवड़ा ने दिया कांग्रेस से इस्तीफा, शिंदे गुट में हो सकते हैं शामिल। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अमेरिका में हिंदुओं ने निकाली कार रैली, 350 से ज्यादा कारों ने लिया हिस्सा। सपा नेता शिवपाल यादव ने कसा बीजेपी पर तंज, कहा बीजेपी ने देश का माहौल बिगाड़ दिया, इसका मकसद है फूट डालो राजनीति करो। अखिलेश यादव को मिला राम मंदिर कार्यक्रम का न्योता, कहा बाद में करेंगे सब परिवार शिरकत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पत्नी ने की 5वीं शादी तो गुस्साए पति ने खुद को लगाई आग, इलाज के दौरान हुई मौत। घने कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 22 ट्रेनों के समय में किया गया फेरबदल, यात्री परेशान। आम आदमी पार्टी चलाएगी एक हफ्ते तक घर बचाओ बीजेपी हटाओ अभियान, बीजेपी के खिलाफ आपकी मुहिम। भारत से विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू को बड़ा झटका, माले की मेयर चुनाव में हार। दिल्ली में आप कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बन गई बात, दोनों दलों ने कहा ऑल इज वेल। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को मिला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण, शेयर की तस्वीरें। हनुमान ने बॉक्स ऑफिस पर की शानदार ओपनिंग, मेकर्स ने पूरा किया वादा, राम मंदिर ट्रस्ट को दान में दिए 14 लाख। सीएम योगी की अपील, कहा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले हर गांव और हर गली को करे स्वच्छ। अयोध्या की सीता रसोई में जयपुर के तेल में पकेगा भोजन, सीएम भजन लाल ने भिजवाए 2100 पीपे। दिल्ली में घने कोहरे के चलते आईजीआई एयरपोर्ट पर फ्लाइट का संचालन प्रभावित, यात्री परेशान। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चुनाव से पहले लगा झटका, चुनाव चिन्ह बल्ला को सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य किया घोषित। यातायात नियमों के उल्लंघन और नो पार्किंग के खिलाफ चला अभियान, नोएडा में 5000 से ज्यादा कटे चालान, 35 वाहन सीज। मणिपुर से ला रहे थे 1.5 करोड़ की मार्फिन, बरेली में एएनटीएफ के हत्थे चढ़े। आईएमडी ने मौसम को लेकर 24 घंटे के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट, पड़ रही है हार्ड कपा देने वाली ठंड। विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान के 2 दिवसीय दौरे पर, भारत लाल सागर के मौजूदा हालत पर करीबी से रख रहा नजर। इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला। संसद सुरक्षा चूक मामला, 6 अभियुक्तों को 27 जनवरी तक भेजा गया न्यायिक हिरासत में। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आगाज। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने साधा विपक्ष पर निशाना, कहा इंडिया गठबंधन के केवल 2 एजेंडे, परिवार बचाओ और संपत्ति बचाओ। नेपाल के लुम्बिनी प्रांत में राप्ती नदी में गिरी एक बस, 2 भारतीयों समेत कम से कम 12 लोगों की मौत, 23 घायल। टॉप 25 में फिलहाल इतना ही, देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एन भारत। नमस्कार।